Hey guys, welcome back. तो भाई लोग आज हम लोग फिर से लौटे हैं भाई एक नई GTA वीडियो के साथ guys. तो आज का ट्रैक बहुत ही सिंपल तो नहीं बोल सकते guys, बहुत ही डेंजर होने वाला है guys. मैं आपको बता देता हूँ भाई पहले ड्रोन शॉट उसका. तो guys यहाँ पे जो हम लोग की सारी इंडियन कार्स हम लोग ने खड़ी की, यहाँ पे पीछे कुछ कार्स है भाई. तो guys यहाँ से इनको नीचे खुदते जाना है guys. यहाँ से स्लोप है बहुत ही डेंजर वाला guys. तो यहाँ पे जो स्लोप है उसके बीच में गैप्स है guys. आप देख सकते हो जैसे ही नीचे जाते रहेगा भाई वो गैप्स बढ़ते जाने वाले हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे बड़े बड़े गैप्स अभी एकदम एंड में आने वाले गए. और जो ये रेड वाले जो गैप्स है, जो रेड वाले बार्स है भाई, मतलब जो वो उसमें सबसे बड़े बड़े गैप्स है गए. आप देख सकते हो काफ़ी बड़े गैप्स है गए. और यहाँ पर भी आप देख सकते हो गए. तो ये फाइनल वाला भी बहुत ही बड़ा गैप है गए. तो गए यहाँ से इनको नीचे आना है भाई बच बच के. और यहाँ पर जो रैम्प है भाई इसके ऊपर से जंप ला के भाई यहाँ पे नीचे सैंड पे लैंड करने का. आप देख सकते हो कि कितना बड़ा गैप है भाई यहाँ पे. यहाँ से मैं आपको दूर से बता देता हूँ, काफ़ी बड़ा गैप है भाई. तो गाइस बहुत ही मुश्किल होने वाला है भाई ये वाला जो ट्रैक है भाई, उसमें बहुत ही कम कार्स इसको पार कर पाएंगे गाइस. पहले वाइज तो इनको स्टेबल भी होना है गाइस. तो गाइस देखते हैं भाई कि कौन सी इंडियन कार है भाई ये वाला जो चैलेंज है वो कर पाती है कम्प्लीट गाइस. और आपको भाई मैं आपको पहले बताना चाहूँगा गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले कि गाइस जाके आप लाइक करो और भाई जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस. क्योंकि गाइस अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो गाइस बहुत सारे वीडियोस आप मिस कर दोगे अच्छे अच्छे. तो गाइस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गाइस. हमारी पहली कार है भाई जो है अपनी टाटा की पंच के साथ. तो गाइस देखते हैं भाई पंच ये वाला जो टास्क है उसमें कैसे करती है परफॉर्म. गाइस मैंने स्टार्ट कर दिया भाई, लेके जाते हैं भाई इसको नीचे. ओह भाई यहाँ पे थोड़ा दिक्कत दे रही है मेरे को. ओह भाई बहुत ही सही तरीके से निकली है भाई ये चौक एब्जॉर्बर इसके ले रहे हैं भाई. एब्जॉर्ब तो करे लेकिन गाइस कंट्रोल के बाहर हो रही है भाई. आप देख सकते हो भाई यहाँ पे पैंट बजना स्टार्ट हो चुकी है. ओह भाई साहब बहुत ही डेंजर सीन हो रहा है भाई इसका. और भाई ये हो चुकी है अपनी पंच फेल. आप देख सकते हो गाइस काफ़ी मुश्किल ट्रैक है भाई बहुत ही भाई. तो भाई लोग जो हमारी जो पहली कार है भाई वो भी हो चुकी है फेल जो थी टाटा पंच. तो गाइस पढ़ते हैं हमारी जो नेक्स्ट कार है भाई वो है अपनी अपनी ऑल्टो K10. तो गाइस देखते हैं भाई K10 ये वाला जो टास्क है उसमें कैसे करती है परफॉर्म. लगा लिया है भाई जंप इसने, काफ़ी अच्छी जा रही है भाई फिलहाल. तो गाइस स्मूथ चल रही है फिलहाल, अभी तक तो बैलेंस ऑफ नहीं हुआ है गाइस, किसी भी वक्त हो सकता है लेकिन गाइस कुछ बोल नहीं सकते गाइस. यहाँ पे गैप्स पड़ते जाने वाले हैं भाई, यहाँ पे गैप्स पार करना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है गाइस. लेकिन भाई ऑल्टो K10 ने कर दिया इसको पार. देखते हैं भाई जंप. ओह भाई ये क्या हो गया इसको, गाइस जंप तो लगा दिया है भाई लेकिन गाइस बम्पर अंपर इसका थोड़ा टूट चुका है गाइस. यहाँ पे देखते हैं भाई क्या होता है इसका. ओहो भाई फेल हो गई भाई ये भी. तो गाइस ट्राई तो काफ़ी अच्छा था भाई लेकिन गाइस इसकी पैंड बच गई भाई. एंड में आते भाई इसके थोड़े के लिए रह गए भाई अब. तो भाई अपनी जो K10 है भाई वो भी हो चुकी है फेल. तो गाइस K10 के बड़े भाई मतलब जो बड़े भाई है जो अपनी. तो गाइस बढ़ते हैं अपनी K10. तो गाइस K10 तो हो चुकी है बाहर भाई. तो गाइस बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कार जो है अपनी मारुति 800. देखते हैं भाई 800 ये वाला जो टास्क है उसमें कैसे करती है परफॉर्म. भाई काफ़ी हल्की गाड़ी है भाई, तो भाई हो सकता है भाई ये उड़ जाए हवे के झोंके से. देखते हैं भाई लेकिन क्या होता है भाई. K10 भाई रह गई भाई थोड़े के लिए भाई, मेरे को तो लगा था भाई कर लेगी कम्प्लीट. यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आना है क्योंकि गाइस गैप बढ़ते जा रहे हैं आप देख सकते हो. ओहो भाई बच गई भाई, इस लगाने वाली है जंप यहाँ से. ओहो भाई क्या बात है गाइस, जंप लग चुका है भाई तगड़ा वाला. ओहो पार कर दिया है भाई इसने, बीच पे पहुँच गई है भाई. सिर्फ अभी लैंडिंग करना है इसको, बहुत ही सही तरीके से पार किया भाई. तो गाइस जो अपनी 800 है भाई उसने ये वाला जो टास्क है भाई वो कर दिया है कम्प्लीट. आप देख ही सकते हो गाइस बहुत ही दूर है भाई ये रैम, काफ़ी अच्छा जंप लगाया गया. तो गाइस इसको यहाँ पे पार्क कर देते हैं हम लोग और भाई पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कार की ओर. तो भाई लोग जो अपनी नेक्स्ट कार है भाई वो है अपनी एंडेवर. तो भाई देखते हैं भाई एंडेवर ये वाला जो टास्क है उसमें कैसे करती है परफॉर्म. काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है भाई इसका, दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए भाई लेकिन गाइस कुछ बोल नहीं सकते गाइस. कुछ भी अगर थोड़ा बहुत बिगड़ गया भाई इसका तो गाइस प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी. आप देख सकते हो भाई एब्जॉर्ब करिए भाई स्टॉक है इतने सही तरीके से एब्जॉर्ब करिए भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसको. यहाँ पे आप ही देखना होगा क्या होता है भाई यहाँ पे जाने. ओहो भाई लगा दिया भाई जंप, क्या ये पार कर पाएगी या नहीं. ओहो भाई थोड़े के लिए रह गए भाई, देखेंगे भाई यहाँ पे क्या होता है गाइस. तो गाइस सैडली भाई अपनी जो एंडेवर है भाई वो हो चुकी है फेल गाइस, पानी में डूब गए भाई. तो भाई इसको निकालते हैं पहले. तो भाई लोग जो अपनी नेक्स्ट कार आती है भाई वो है अपनी किया की सेल्टॉस. तो भाई सेल्टॉस में देखते हैं भाई क्या है भाई करती है भाई. आप देख लिए एंडेवर मेरे से कार भी भाई हो चुकी है डिस्क्वालीफाई गाइस, अभी तक सिर्फ 800 ने पार किया ये वाला टास्क. देखते हैं भाई अपनी सेल्टॉस ये वाला टास्क कंप्लीट कर पाती है या नहीं.
काफ़ी सही तरीके से ले रही है भाई शॉक्स को, बहुत ही सही जा रही है फिलहाल। यहाँ पे देखना होगा क्या होता है भाई इसका हाल, यहाँ पे देखेंगे भाई जंप लगाने के टाइम पे क्या होता है। ओ भाई जंप तो लगा लिए भाई, शायद से पार कर जाइए थोड़े के लिए। अरे भाई पार कर दिया भाई, क्या बात है भाई, अपनी सेल्टॉस ने भी पार कर दिया भाई। भले इसका थोड़ा टूट गया भाई आगे वम्पर वम्पर, लेकिन गैस पार किया है गैस, तो सेल्टॉस के लिए भाई लाइक तो बनता है भाई। अब देख सकते हो गैस बाकी की सारी कार यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड जो है पड़ी हुई है गैस, तो सिया सेल्टॉस बनती है भाई अपनी जो सेकंड कार ये वाला टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो भाई लो जो अपनी नेक्स्ट कार है भाई वो है अपनी महिंद्रा की थार, तो भाई देखते हैं भाई थार ये वाला जो टास्क है उसमें कैसे करती है परफॉर्म। काफ़ी सही निकली है भाई ये, देखते हैं भाई क्या होता है भाई इस कार। रॉक्स तो काफ़ी सही ले रही है एकदम खतरनाक, मेरे को तो काफ़ी पसंद है भाई ये गाड़ी। यहाँ पर देखेंगे भाई बहुत ही जो है गैप भी बहुत ही आसानी से पार कर रही है भाई, बड़े बड़े गैप। और भाई आ गए जंप लगाने की बारी, यहाँ पे लगा दिया है भाई जंप इसने। ओहो क्या बात है भाई, वह किधर जा रही है भाई, गांव जा रही है सीधा। तो गाइस आपने देख ही लिया भाई क्या लॉन्ग जंप लगाया भाई, और ये सक्सेसफुली भाई पार कर दिया है भाई अपनी थार ने वाला टास्क। तो गाइस अपनी थार को भी अपन लगाने वाले हैं भाई इधर साइड में, और भाई पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट कार। और भाई नेक्स्ट कार जाने से पहले भाई थार के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा लाइक करना है, इसलिए आप देख ही सकते हो बहुत ही इजीली भाई इसने वाला जो टास्क है वो कर दिया है कंप्लीट। तो भाई लोग जो अपनी नेक्स्ट कार है भाई वो है अपनी XUV 700, तो भाई देखेंगे भाई 700 ये वाला जो टास्क है उसमें कैसे करती है परफॉर्म। और भाई अपन ने एक्सीलेटर दे दिया है भाई, और ये पड़े भाई नीचे, देखते हैं भाई क्या होता है अपनी 700 का हाल। काफ़ी सही ले रही है भाई अभी तक, शॉक एब्जॉर्बर बहुत ही सही है भाई इसके, बहुत ही सही जा रही है फिलहाल। ओहो बहुत ही भारी भाई, एक से एक शॉक। ओहो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होते होते भाई बच गई अपनी, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होने वाली थी लेकिन गाइज अपनी XUV बच गई है गाइज। और मेरे हिसाब से भाई XUV 700 ने भी ये वाला जो चैलेंज है भाई वो कर दिया है कम्प्लीट, देख ही सकते हो। तो गाइज XUV 700 को भी भाई अपन लगा देते हैं भाई इधर साइड में, क्योंकि भाई XUV 700 भी ये वाला जो टास्क है भाई वो कर दिया है कम्प्लीट। तो XUV 700 को भी अपन लगा देते हैं इधर। तो भाई लोग जो अपनी नेक्स्ट कार है भाई वो है अपनी हेक्सा, तो भाई देखते हैं भाई हेक्सा कैसे करती है परफॉर्म। यहाँ पे भाई बहुत ही शांत, बहुत ही बड़ी गाड़ी है भाई, हैवी गाड़ी होने वाली है भाई, बहुत ही जंबो टाइप गाड़ी है। अब देख सकते हो भाई बहुत ही शानदार तरीके से जा रही है फिलहाल, 200 की स्पीड में पहुँच चुकी है, 300 की स्पीड टाइम, देखते हैं भाई अब क्या होता है इसका हाल। यहाँ पे ओहो भाई यहाँ से लगाना है इसको जंप, देखेंगे भाई जंप, काफ़ी सही जंप लगाया है भाई। कहाँ जा रही है, सीधा रोड पे जाके गिरेगी शायद, भाई काफ़ी सही जंप लगाया। ओ भाई ये किधर जा रही है, परफेक्ट लैंडिंग भाई लोग, परफेक्ट लैंडिंग। गाइस अपनी जो हेक्सा है भाई उसने भी कर दिया है भाई ये वाला जो टास्क है उसको कंप्लीट। गाइस इसको अपन लगा देते हैं भाई इधर साइड में, और भाई पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट। तो भाई जो हमारी नेक्स्ट कार है भाई वो है अपनी वैगनार, तो गाइस देखते हैं भाई वैगनार ये वाला जो टास्क है उसमें कैसे करती है परफॉर्म। काफ़ी छोटी गाड़ी है भाई, तो मेरे हिसाब से तो पार कर जानी चाहिए भाई, लेकिन गैस बैलेंस बनाना बहुत ही मुश्किल है भाई ये टास्क। देख ही सकते हो भाई शॉक एब्जॉर्बर पावरफुल होने चाहिए, नहीं तो गैस अब टाटा पंच की तरह ये भी उड़ सकती है। यहाँ पे गैप भी थोड़ी दिक्कत आना स्टार्ट हो गई है, गैप बढ़ते जा रहे हैं भाई यहाँ पे। ओहो भाई बच गए गैप में, तो देखते अब क्या होता है इस बार। ओहो भाई लगा लिए बहुत ही सही जंप गाइस, काफ़ी अच्छी जंप लगा दी है भाई इसने तो। और ये भी भाई अपनी वैगनार भी भाई हो जाएगी ये वाले टास्क में पास, देख ही सकते हो भाई काफ़ी सही जंप लगाया भाई यहाँ पे आके भाई। बस थोड़ा शॉक एब्जॉर्बर भाई इसके इतने तगड़े नहीं है, लेकिन गाइस उससे अपने को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि गाइस इसने वाला जो टास्क है भाई वो कर रही है कंप्लीट। तो गाइस वैगनार के लिए भाई जोरदार लाइक कर दो भाई जाके फटाफट। तो भाई लोग जो अपनी नेक्स्ट कार है भाई वो है अपनी बलेनो, तो गाइस देखते हैं भाई बलेनो ये वाला जो टास्क उसमें कैसे करती है परफॉर्म। भाई ये भी बहुत ही फास्ट गाड़ी है भाई, लेकिन गाइस इसका जो सस्पेंशन है काफ़ी वीक है भाई, मतलब कंपेरेटिवली पता नहीं भाई क्या होने वाला, 300 के ऊपर भाई चली गई है भाई अभी, बस जंप लगाने की देरी है भाई, देखते हैं भाई कितना बड़ा जंप लगाती है। ओ भाई निकल गई, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ गई भाई इसको एंड में, थोड़ा बम्पर लट गया भाई, क्या ये क्वालिफाई कर पाएगी भाई एकदम बराबर भाई एकदम एच पे आके क्वालिफाई किया है भाई। गाइस बलेनो ने भी ये वाला जो टास्क है भाई वो कर दिया है बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट। तो गाइस बलेनो के लिए भी भाई लाइक तो बनता है भाई,
तो भाई इसको अपन लगा देंगे इधर और भाई बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कार की ओर। भाई जो अपनी नेक्स्ट कार है भाई वो है अपनी मारुति की स्विफ्ट। तो भाई देखेंगे भाई स्विफ्ट ये वाला जो टास्क है उसमें कैसे करती है परफॉर्म। अभी तक तो वैगनर और बलेनो ने भी ये वाला जो स्विफ्ट के कंपेरिजन वाले कार से भाई उसने कर दिया ये वाला चैलेंज कम्प्लीट। भाई देखेंगे गाइस। और यहाँ पे थोड़ी मतलब डगमगा रही है भाई ये तो पूरी। अब देख ही सकते हो गाइस सस्पेंशन बहुत ही वीक है भाई इसके। और भाई अभी जंप लगाएंगी भाई ये देखिए। ओहो भाई क्या जंप लगाया भाई, क्या ही जंप लगाया, बहुत ही सही जंप लगाया। और ये समरसॉल्ट मार के भाई एकदम कोपचे में आके भाई जीती है भाई ये। तो भाई अपनी जो स्विफ्ट है भाई उसने भी ये वाला जो टास्क है भाई वो कर दिया है कम्प्लीट। भले भाई इसमें आग लग गई है लेकिन गाइस उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना जो टास्क है भाई उसको यहाँ पे मिट्टी पे लैंड करना है गाइस। तो भाई सैडली अपनी मतलब जो सैडली क्या बोल रहा भाई अपनी जो मतलब यहाँ पे आग लग गई है लेकिन गाइस उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, आग तो हम लोग बुझा देंगे भाई। लेकिन गाइस मेन एजेंडा था अपना ये टास्क कम्प्लीट करना जो स्विफ्ट ने कर दिया है कम्प्लीट। तो गाइस स्विफ्ट के लिए भी जाके लाइक कर दो भाई। और भाई अपन बढ़ते हैं। तो भाई लोग जो अगली कार है भाई वो है अपनी i20 का Hyundai की। तो गाइस देखते हैं भाई i20 क्या करती है परफॉर्म इसमें। काफ़ी सही जा रही है भाई ये। मोस्टली तो सारे कार्स ने ये वाला चैलेंज कर दिया भाई, कुछ कार से भाई एकदम ही आके मतलब ऑल्टो K10 जैसे कार ने आके ये वाला चैलेंज कर दिया। तो भाई क्या ही बोलते हैं, कुछ हैवी कार्स भाई लटक गए, कोई बात नहीं गाइस। और ये भाई लगा दिया है बहुत ही सही जंप गाइस। यहाँ पे भाई गोल गोल घूमते हुए जा रही है भिड़ू एकदम भाई, बहुत ही सही जा रही है। और ये भाई कहाँ घिरेगी मेरे को भी नहीं पता। ओहो भाई इसका हाँ पूरा भाई क्या ही हो गया भाई, इसका केक बन गया पूरा। तो गाइस जो अपनी i20 है भाई उसको भी अपन लगा देते हैं भाई इधर साइड में भाई। और भाई लोग हम लोग बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट कार की ओर। तो भाई जो अपनी नेक्स्ट कार है भाई वो है अपनी नेक्सॉन टाटा की नेक्सॉन। भाई देखते हैं भाई नेक्सॉन ये वाला जो टास्क है उसमें कैसे करती है परफॉर्म। ऑलमोस्ट सारी कार ने भाई ये वाला टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है भाई, देखते हैं लेकिन नेक्सॉन कैसा करती है परफॉर्म। ये भी काफ़ी सही गाड़ी है भाई क्वालिटी वाइज, टाटा की हर कार क्वालिटी वाइज बहुत ही सही होती है भाई। देखते हैं भाई क्या करती है अपनी नेक्सॉन इसमें। टॉक्स तो काफ़ी सही ले रही है भाई ये, अभी देखना होगा कि भाई जंप मारती है कैसे ये। और भाई जंप लगाने की बारी आ चुकी है भाई, ये लगा दिया है बहुत ही सही जंप। और ये आप देख ही सकते हो भाई समरसॉल्ट मारते हुए जा रही है। और भाई यहाँ पे आके भाई मेरे को तो लग रहा है भाई कारों पे लैंड करेगी ये भाई, बहुत ही सही जंप लगाया भाई अपने नेक्सॉन ने। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा डेंट आ गया लेकिन भाई डेंट से अपने को कोई नहीं फ़र्क पड़ता गाइस। तो नेक्सॉन ने भी भाई ये वाला जो टास्क है वो कर दिया है कम्प्लीट। ऑलमोस्ट सारी कारों ने भाई ये वाला टास्क किया है कम्प्लीट कुछ कारों को छोड़ के। गाइस बढ़ते हैं लास्ट कार की ओर। तो भाई लोग जो अपनी लास्ट कार है भाई वो है अपनी टोयोटा की इनोवा। ऐसी इनोवा क्रिस्टा है भाई ये, देखते हैं भाई क्रिस्टा ये वाला जो टास्क है उसमें कैसे करती है परफॉर्म। भाई जंप लगा दिया हम लोग ने, काफ़ी सही गाड़ी भाई, काफ़ी भारी गाड़ी है। बस देखेंगे भाई अपनी लास्ट कार ये वाला चैलेंज कर पाती है या नहीं। काफ़ी सही जा रही है फिलहाल, एकदम सही परफेक्ट। अभी बस जंप लगाना है भाई इसको यहाँ से। और ये लगा दिया है भाई जंप, बहुत ही सही जंप लगाया भाई, ये जा रही है भाई मेरे हिसाब से तो भाई पार कर दिया इसने। अब देख ही सकते हो भाई हम लोग मिट्टी में कूदने वाले। ओह भाई क्या बात है भाई, क्या सस्पेंशन है भाई इसने। तो भाई जो अपनी जो इनोवा क्रिस्टा है भाई उसने भी ये वाला टास्क कर दिया है कम्प्लीट बहुत ही शानदार तरीके से। थोड़ा बम्पर ढीला हो गया लेकिन कोई बात नहीं। तो भाई लोग जो हमारी ये सारी कार्स है भाई ऑलमोस्ट सारी कारों ने ये वाला चैलेंज किया है चार पांच कारों को छोड़ के गाइस। तो गाइस ये सारी कारों के लिए भाई जाके भाई ज़ोरदार लाइक करना भाई, और नीचे कमेंट सेक्शन में भाई बताना कि गाइस आपको इनमें से सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कार कौन सी लगी गाइस। तो गाइस हमारा वीडियो होता है भाई यहीं पे एंड, मैं आपको फिर से मिलूँगा भाई हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।